गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7 लेसन नंबर 3 हेल्थ इज वेल्थ आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग ऑलरेडी हमने पहले लिखा दिए हैं। इसका अर्थ सभी को अपनी रफ कॉपी पर लिखना है। हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य ही संपदा है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट यह स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। अ रिच पर्सन कैन बाई एवरीथिंग बट नॉट हेल्थ एक धनी आदमी सब कुछ खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। सो वी शुड लर्न सम रूल्स टू हेल्थी एंड स्ट्रांग इसलिए हमें कुछ नियम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहने के सीखने चाहिए। क्लीननेस इज गुड फॉर हेल्थ सफाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। क्लीननेस ऑफ क्लास बॉडी एंड हाउसेज इज नेसेसरी कपड़ों की सफाई शरीर की सफाई और घर की सफाई बहुत आवश्यक है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीन्ड शरीर का प्रत्येक भाग साफ होना चाहिए। लाइट एंड एयर आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ वायु और प्रकाश अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वी शुड गो फॉर अ वॉक हमें टहलने जाना चाहिए। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एयर हमें ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ प्योर वाटर हमें ढेर सा शुद्ध पानी पीना चाहिए। गुड फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन भी बहुत आवश्यक है। ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मिल्स आर गुड फॉर हेल्थ हरी सब्जियाँ फल और दूध अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। वी शुड टेक देम डेली हमें उन्हें प्रतिदिन लेना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वी शुड टेक नेसेसरी रेस्ट एंड स्लीप वेल हमें अच्छी तरह से आराम और अच्छी तरह से सोना चाहिए। वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट हमें अपनी खराब आदतें छोड़ देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नॉट प्ले ऑल द टाइम हमें पूरे समय नहीं खेलना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ हमें अपने स्वास्थ्य की परवाह करना चाहिए। बैड हैबिट इज ए कर्स खराब आदतें एक अभिशाप हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्थ इज वेल्थ हमें हमेशा याद रखना चाहिए स्वास्थ्य ही संपदा है। थैंक यू।